हेलो ऐसे नमस्ते। मैं निरंजन, आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है निरंजन तलुबे। तो ओके गाइस, आज का दिन भी बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम बहुत सी जगह पे घूमने वाले हैं, क्योंकि मेरे और कुछ रिलेटिव्स है वो सब, अब हम सब लोग साथ में जाने वाले हैं गुगड़ा देवी के मंदिर। लेकिन वो जो व्लॉग है, मैंने पहले भी गुगड़ा देवी मंदिर का जो व्लॉग है वो पहले ही रिलीज कर दिया है, इसलिए इस व्लॉग में मैं वहां जाके शूट नहीं करने वाला। लेकिन उसके बाद हम जाने वाले हैं एक डैम पे। वो डैम का नाम और सब कुछ मैं आपको बाद में बताऊंगा, वीडियो आगे कंटिन्यू करना। तो चलो मैं फटाक से रेडी होता हूँ और उसके बाद डैम में जाने वक्त मिलता हूँ, तब तक के लिए। सो गाइस, अब हम जा रहे वाले हैं डैम में। तो डैम का नाम क्या है भाई? खड़कपूर्णा डैम में जाने वाले हैं और देखते हैं वो डैम, कहते हैं यहाँ के लोकल की डैम बहुत ही अमेजिंग है। तो चलो, मैं ये हाईवे पे हूँ तो ज़्यादा बातें नहीं करता आपको मोटो ब्लॉग में, तो सीधा डैम में जाके ही आपको मिलता हूँ। तब तक कुछ सिनेमैटिक सब इंजॉय करिएगा। जरा मिलिए यहाँ के हरे हरे खेतों से कुछ, इतना बढ़िया वेदर है। आपको यहाँ पे ऐसी धूप दिख रही होगी, लेकिन जितनी ऐसी धूप दिख रही तो आपको लग रहा होगा गर्मी बहुत होगी, लेकिन गर्मी बिल्कुल भी नहीं है। मस्त ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और हवा का लुत्फ उठाते हम दोनों भाई जा रहे हैं डैम की तरफ। और आप देखो कितना प्यारा खेत, यह कॉटन का खेत है दोस्तों, देख सकते हो, अमेजिंग। चलो, आधा रास्ता कवर कर लिया है हमने, आधा रास्ता और बाकी है, तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। गाइस देख रहे हो आसमान कितना ही प्यारा लग रहा है, वो भी गाइस एक नंबर दिख रहा है। देखो आप, ये ट्रक जाने दो फिर से एक बार। वाह 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 गाइस, बहुत ही बढ़िया। और हम अभी पहुंचने ही वाले हैं और धूल देख रहे हो कितनी धूल धूल हो रही है ऐसे ही। गाइस देखो डैम का लुक, हम अब पहुंचने वाले हैं उस डैम की ओर। चलो चलते हैं, और स्काई तो देख ही लिया आपने। चलो सीधा आप डैम पहुंचने पे ही मिलता हूँ। हाँ सो गाइस, वो जो हम है डैम के नीचे की तरफ आ गए हैं और यहाँ पे रास्ता देखो कितना ही अमेजिंग है। तो मुझे बहुत ही स्लोली स्लोली चलानी पड़ रही है यहाँ पर। और ये लो आ गए हम डैम। ओहो पूरा सूखा हुआ डैम, ये दुष्काल ग्रस्त डैम हो चुका है, ये प्रोन जोन डैम हो चुका है, ये प्रोन जोन। और नेवर माइंड गाइड्स, जो खाली डैम की सुंदरता है वही असली सुंदरता है। <You're joking. laughs> okay. हमें जो सूखा डैम मिला है तो अब हम उधर नीचे उतर रहे हैं डैम में। चलो नीचे उतरते हैं फास्ट से और जगह दिखा दो कहाँ से उतरने की। तो यहाँ से है जो हम डैम के उधर जा सकते हैं। और ये जो अंकल है वो अपनी गाड़ी ले जा रहे हैं, द एडवेंचर हीरो होंडा स्प्लेंडर। चलो और लो हम डैम पे आ गए हैं। तो यस, तो यहाँ पे थोड़ी सी वाटर क्रॉसिंग करनी पड़ेगी। चलो ये करने के बाद मिलता हूँ एक मिनट। देखो डैम पे हमें क्या मिला, ये है मछलियों के कंकाल, मछलियों का कंकाल देखो, लेकिन टूटा फूटा है सब कुछ, मछलियों का कंकाल भी। और यहाँ से ये जो काफ़ी चिक्कड़ है, चिक्कड़ कीचड़ जो भी बोलो उसको, वो है, लेकिन यहाँ पे नहीं। ओके वाह, लेकिन बहुत ही अमेजिंग सी फील आ रही है यहाँ पर। यो, और गेट्स भी देखो कितने बड़े बड़े गेट्स है। वाओ गाइस, आप देख पा रहे होगे यहाँ पे जो मैंने बताया था ना, बीच में जो हमको एक पैच मिला वो पे बहुत ही धूल 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 थी। और उस धूल मतलब मैंने अगर टी शर्ट वशर्ट कुछ झटका ना तो किलो भर धूल मेरे शरीर से मेरे बालों से निकल जाएगी, इतनी धूल थी वहाँ पे। और एक यहाँ पे एक फोटो भी आ रहा होगा, अब देखो धूल का कितना फोटो, कितनी धूल है मतलब। वो ये मछली देखो भाई कितनी बड़ी मछली हो रही होगी जब ये जिंदा होगी होगी, लेकिन
इसका लक खराब है, जो यहाँ का पानी खत्म हुआ और ये मर गई। तो देखो हम कहाँ आ गए, डैम के जो गेट से उनके सीधा सामने, और पूरा डैम वहाँ तक आता है। वाव बहुत ही बढ़िया। अरे वो एक ही डोर है जो लीक हो रहा है, एक ही गेट लीक हो रहा है, बाकी कुछ नहीं। बहुत ही अमेजिंग सा लग रहा है इस डैम में आके हुए। हाँ। तो गाइज देखो अब मैं इस पत्थर को कैसे इस पे लहराता हूँ, तो देखो आपने बचपन में किया होगा, आपको दिखे नोट पता चल जाएगा। दिखा ना, दिखा ना, एक और बार करते हैं। सही ना, एक नंबर। सीपी भाई साहब कितनी बड़ी सीपी है, वाह अमेजिंग, बहुत बढ़िया। और इसमें देखो ऐसे रेनबो इफेक्ट आ रहा होगा, देखो इसका रेनबो इफेक्ट बहुत ही बढ़िया। और ये यहाँ पे फोटो शूट चल रहा है इनका, फोटो निकाल रहा है मेरा भाई। चलो मैं भी कुछ फोटो निकालता, कुछ सिनेमैटिक्स भी निकालता। ओ वीडियो में अच्छे लगने चाहिए कि नहीं। यहाँ पर भी आसपास में ढेर सारी मछलियाँ है, बारीक बारीक सी। वो देखो देखो देखो, दिखी ना यहाँ पे, ये देखो देखो दिखी दिखी दिखी, ये देखो कुछ चमकी चमकी, वो वाइट कलर में, ये देखो यहाँ पर कितने सारे, वाव। और मज़ा आ रहा है उनको देखते हुए, आँखों से मतलब बहुत ही क्लियर दिख रहा है, लेकिन कैमरे में उतना क्लियर नहीं दिख रहा, लेकिन ढेर सारे पत्थरों के बीच में से जाते। तो गाइस देखो टाइम हो गया है शाम के 5:35, तो चलो निकलते हैं हम यहाँ से, अब निकलने का टाइम भी हो गया है। गाइस वक्त आ चुका है इस प्यारे से डैम को बाय बाय कहने का, तो हम अब यहाँ से निकल रहे हैं। और देखो कितना है प्यारी प्यारे, खाली खाली सा प्यारा प्यारा सा डैम। ओके तो हम यहाँ से अब निकलते हैं और जल्दी से घर पहुँच के मिलते हैं, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है। और हम जहाँ पे रहते ना वहाँ से ये लोकेशन काफ़ी दूर है, तो आने जाने में बहुत टाइम लगता है, तो अंदर आप होने से पहले हमको घर पे जाना होगा जल्दी से। चलो चलो इस प्यारे से लोकेशन को बाय बाय कहते हुए देखो हमें क्या मिला, एक मरी हुई फिश। देखो कितनी बड़ी है, साइज तो देखो इसकी कितनी बड़ी है, लेकिन आधी सड़ चुकी है, लेकिन बेचारे उनका भी कितनी हाल होती होगी, पानी नहीं कुछ नहीं। खैर जाने दो। बदबू ही बदबू और लाशें ही लाशें है इधर। आते जाते एक गाइस आपको ये रेगिस्तान का आपको सीन पता होगा, कुछ पिक्चर में आपने देखा होगा कि रेगिस्तान में कोई ऐसे गाय भैंस का कंकाल पड़ा हुआ रहता है, देखो वैसे ये फिश का रेगिस्तान हो गया ये, या फिर फिश के कंकाल पड़े और रेगिस्तान जैसे ही सूखा पड़ा है। चलो जाते हैं घर को, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, चलो बाय बाय। लो गाइस निकल चुके हैं, और बे यार ट्रक पीछे आ रही है, तो आपको फोन रख के मिलता हूँ।
देखो गाइस, देखो गाइस कितना ही प्यारा स्काई हो चुका है। तो इस ब्यूटीफुल वेदर को हम एंजॉय करते हुए अब घर पहुंच रहे हैं। तो चलो जल्दी से रास्ता कवर अप करके आपको मिलता हूँ। तब तक के लिए इस ब्यूटीफुल वेदर को, स्काई को और मौसम को बाय बाय कहने का वक्त आ गया है। तो हे गाइस, डैम से हम आ चुके घर पर, और घर पर आने के बाद मैंने वही क्लोथ्स पहन लिए। अब फुल ऑन हाथ मुंह धो के रेडी हो चुका, बहुत ही थकावट है, लेकिन वीडियो भी एंड करने की थी तो वीडियो एंड करते हैं और को मिलता हुआ ऐसे किसी बढ़िया से वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना दोस्तों। वीडियो पसंद आई होगी तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय 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 बाय। ओके, तो टाइम हो गए देखो शाम के 5:30, मतलब 5:35, तो निकलते हैं हम अब। कोरोना गो।